Now, L.K. Advani has often described what happened on the 6th of December as the saddest day of his life. Atal Bihari Vajpayee has apologized for the demolition. But Vinay Katiyar, one of the second-rung BJP leaders, named as those behind the actual demolition, today told NDTV that it was the happiest day of his life. एक सवाल पूछना चाहती हूं. आपने कहा कि 6 दिसंबर 1992 आपके लिए एक ऐसा दिन है जिस पे आप यू आर प्राउड ऑफ इट. आपने ये कहा ना कटियार साहब? आप इसको चार बार रिपीट कराओ, चार बार कहूंगा. ये हमारे लिए सबसे ज्यादा सुखद का दिन था जी. लेकिन आपके जो लीडर हैं, आपके जो लीडर हैं एलके अडवाणी, वो कहते हैं दिस वाज द सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. आपके लिए इट वाज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, अडवाणी के लिए इट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ. ये जरा समझाएं. नहीं नहीं, देखिए वो अपने अपने क्या किसका क्या किस एंगल से उन्होंने कहा होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि भाई मंदिर भव्यता दिव्यता जब ही आएगा तभी तो बनेगा. जब वहां से दूसरा जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर हमारा है, अब वो मंदिर जब तक हटेगा नहीं तब तक दूसरा कैसे बनेगा.